हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज एट। प्रियंसिया की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 8 है वो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉ और सोशल जस्टिस के बारे में देखेंगे। लॉ क्या होते हैं, किस तरह से सोशल जस्टिस के लिए लॉज को बनाया जाता है और कैसे ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फैक्ट्रीज के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड लॉज के बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने के लिए चैप्टर को एंड तक जरूर देखिए। प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेरियस फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस बनाई गई है तो आप उनको फिल कर सकते हो। अपनी तैयारी में हेल्प के लिए एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। साइंस से और सोशल साइंस से अपलोड कर देंगे चैप्टर पे। देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, सभी को इस वीडियो को बेनिफिट हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 7 में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी शर्ट की। हमने देखा था चेन ऑफ मार्केट्स, कैसे वो एक मार्केट्स की चेन से होते हुए फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई। बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो हर स्टेप उसमें इंक्लूड किया जाता है, जिससे वो पूरी चेन बन जाती है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं, चाहे वो फार्मर हो जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वीवर हो जो उस रॉ मटेरियल से धागा बना रहा हो, या फिर गारमेंट्स की एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री हो जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस गारमेंट को, धागे से जो गारमेंट बनाया जा रहा है। यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं या जो भी ये कंपनीज में काम करने वाले लोग होते हैं, ये सभी फेस करते हैं बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन को, अनफेयर सिचुएशन। मार्केट्स में ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसे फेस करनी पड़ती है जो कि इनके लिए ठीक नहीं होती या इनके हिसाब से नहीं होती। हर जगह मार्केट्स में ये एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों के साथ, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है। वर्कर जो काम कर रहा है, कंज्यूमर मतलब जो सामान को खरीद रहा है, प्रोड्यूसर मतलब जो सामान को बना रहा है। लोगों को इन सारे एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन लॉज बनाए हैं। इन लॉज से ये ट्राई किया है कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है लोगों के साथ वो मिनिमम हो सके मार्केट्स में। ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बाद। नेक्स्ट, एक कॉमन मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे लॉ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्कर के वेजेस है वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि लोगों को कम वेजेस पे वहाँ पे काम कराया जाता है या कभी कभी फोर्सफुली उनसे बिना वेजेस दिए ही काम कराया जाता है, जिसमें ये प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और जो वर्कर की जो कंडीशंस होती है वर्क करने के टाइम पीरियड या वेजेस, उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये जो वर्कर्स है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो वर्कर्स बहुत ज्यादा है, जो अमाउंट है, जो नंबर है वर्कर्स का वो बहुत ज्यादा है, लेकिन काम कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनके पास बहुत सारी चॉइस हो जाती है वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए, जो कम वेजेस में वो यहाँ पे वर्कर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कंपनीज में, जिससे कि बाकी और वर्कर्स भी यहाँ पे कम रेट्स में काम करने के लिए मान जाते हैं। इसी तरह से जो बिजनेस पर्सन है इलीगली रॉन्ग चीजें करके कम वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट कराते हैं इन सारे लेबर क्लास से। वर्कर को यहाँ पे कम पैसे दिए जाते हैं उसके काम के हिसाब से। मिनिमम वेजेस आर रिवाइज अपवर्ड एवरी ईयर, तो हर साल वो थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाते हैं ताकि वर्कर लगे रहे। हमें लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को कम पैसे दिए जा रहे हैं, आपको सोचना है मिनिमम वेज कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और ये मिनिमम वेजेस कौन सेट करता है? ये लो मिनिमम वेजेस है जिसकी वजह से क्या होता है, जो वर्कर है उनके लॉस को यहाँ पे वायलेट किया जाता है। ये मिनिमम वेजेस ये वो वेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि कम से कम इतना वेजेस इन लेबर्स को मिलना चाहिए जिससे इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को। कुछ ऐसे लॉज यहाँ पे बनाए गए जो इन सारी चीजों से वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें, और ये सारे जो लॉज हैं वो कंज्यूमर मार्केट्स में चलते हैं। ये जो लॉज है वो हेल्प करते हैं इंश्योर कराने में कि जो रिलेशन है थ्री पार्टीज का, वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर का, ये अच्छे से गवर्न हो सके, बैलेंस वे में चल सके और इसमें एक्सप्लोजन ना हो किसी भी सेक्शन के लोगों का। ये टेक्सटाइल मिल का यहाँ पे वर्कर है अहमदाबाद में, जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं पावर लूम, जो कि मशीन होती है बड़ी बड़ी कपड़े बनाने की। यहाँ पे जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं उनका कपड़े को यहाँ पे फैक्ट्रीज के कपड़े से कॉम्पीट करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री से बहुत सारा बल्क में कपड़ा बनता है, चीपली वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये जो हाथ वाले वर्कर होते हैं, कारीगर होते हैं, इनको टाइम भी बहुत लगता है और यहाँ अमाउंट भी ज्यादा उनका लग जाता है, जिससे उनको यहाँ पे महंगे रेट में कपड़े को बेचना पड़ता है, जो कि कॉम्पीट नहीं कर पाता हैंडलूम वाली इंडस्ट्रीज को। 1980s 1990s में यही हुआ, पावर लूम्स कम थे, उस वक्त 4 से 6 लूम्स थे, ऑनर्स ऑपरेट करते थे और हायर करते थे फैमिली लेबर्स को भी। ये एक वेल नोन कंडीशन है वर्क की, पावर लूम्स में इसी तरह से यहाँ पे काम कराया जाता है, पहले से ही ऐसा ही होता आ रहा है।
तो यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं जहाँ पे लॉ बताए हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी जरूरत पूछिए आपसे और किस तरह से वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को तो शुड नॉट बी बिलो आर स्पेसिफाइड मिनिमम। तो इसकी जरूरत क्या है कि जो बहुत सारे जो वर्कर्स है वो कम पैसों में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं होता, बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, तो उनके पास बार्गेन करने का यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता और उन्हें अपनी जरूरतों को, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए कम वेजेस पे भी काम करना पड़ता है। दिस लॉ इज मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो ये जो लॉ है इसे प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स को, पर्टिकुलरली फार्म लेबर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को, डोमेस्टिक वर्कर्स को, तो सभी के लिए लॉ है। लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए लेबर्स के लिए, ये एक ऐसा लॉ है वर्क प्लेसेस पे प्रॉपर वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए लेबर्स की, जैसे अलार्म सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिस्ट होनी चाहिए, प्रॉपरली फंक्शन होनी चाहिए मशीन्स में, तो यहाँ पे रिस्क का खतरा बहुत कम हो जाएगा और यहाँ पे भी प्रोटेक्शन होगा लेबर्स का। लॉ यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो सर्टेन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड सेट किए जाए प्रॉपर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर बनाए जा रहे हैं तो उसमें पूरी सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे लेने चाहिए वर्कर्स के लिए भी और जो वो सामान बना रहे हैं उसमें भी, ताकि अगर उसको कोई कंज्यूमर यूज करे तो उससे उसे खतरा ना हो। तो कंज्यूमर माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड, मेडिसिन। तो यहाँ पे इस रिस्क को कम करने के लिए ये सारे मेजर्स लेने चाहिए। लॉ रिक्वायर है प्राइसेस के फिक्स होने चाहिए, ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए, ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सके। जो डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं जैसे कि शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन, ये मिनिमम वेजेस में मिलने चाहिए जिसकी वजह से पुअर लोग भी इसको अफोर्ड कर पाए। ये एक बेसिक और इम्पोर्टेंट नीड है डेली लाइफ की। लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर, ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाए फैक्ट्रीज के लिए कि वहां पे एयर और वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। चाइल्ड लेबर के लिए भी यहाँ पे लॉज होने चाहिए वर्क प्लेसेस पे। वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन बननी चाहिए जिसमें वर्कर्स के हित के बारे में यहाँ पे बात की जाए। तो ये जो यूनियंस होती है इन यूनियंस को वर्कर ही मिलकर बनाते हैं और उसको कोई भी लीडर बन जाता है जो उसको लीड करता है पूरी यूनियन को, और यहाँ पे डिमांड की जाती है वर्कर्स की बेसिक नीड्स के बारे में ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट मेनली मेकिंग लॉज इज नॉट इनफ, सिर्फ लॉज बनाना ही यहाँ पे काफी नहीं है, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए जिससे कि ये इन्फोर्स किया जाए हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्रीज में, हर मार्केट में, ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जब इनका इन्फोर्समेंट होगा तभी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा वीक लेबर्स को या वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग से। फॉर इंस्टेंस इसे इंश्योर कराना है हर वर्कर के लिए कि वहां पे उन्हें फेयर वेजेस मिले। गवर्नमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्ट भी करना चाहिए वर्किंग साइट्स को ताकि ये देखा जाए कि लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, अगर नहीं हो रहे, वायलेट हो रहे हैं तो पनिश भी करना चाहिए। अगर वर्कर्स पुअर हैं, पावरलेस हैं, तो उनको हमेशा खतरा रहता है कि फ्यूचर में उनकी जॉब चली जाएगी जिसकी वजह से वो कम वेजेस पे भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इम्प्लॉयर जो होते हैं जो हायर करते हैं इन वर्कर्स को, उन्हें पता होता है कि वर्कर्स को कितनी ज्यादा जरूरत है इस जॉब की, तो वो इनको यहाँ पे एक्सप्लॉयट करते हैं, फेयर वेजेस नहीं देते। तो यहाँ पे क्रूशियल लॉ इन्फोर्स करने चाहिए और ये देखना चाहिए वो लॉ माने जा रहे हैं या नहीं। जब ये लॉ बनाए जाते हैं, इन्फोर्स किया जाते हैं, अपहोल्ड किए जाते हैं, तो इनसे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है इन फैक्ट्रीज के ऊपर, वर्कर्स के लिए अच्छी कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं। सोशल जस्टिस यहाँ पे मेंटेन होती है पुअर लोगों के लिए भी। मैनी ऑफ दीज जो लॉज होते हैं इनमें से कुछ बेसिस फंडामेंटल राइट्स की गारंटी करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर ही ये सारे लॉज आते हैं जिसमें लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट की बात होती है, फेयर वेजेस वहाँ पे दिए जाए ताकि वो अपने डेली टू डेली जो रिक्वायरमेंट है जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एंड शेल्टर, वो उसको फुलफिल कर पाए। फॉर इंस्टेंस जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके अगेंस्ट भी लॉज बनाए गए ताकि यहाँ पे लो वेजेस पर या फिर बैड कंडीशंस में वर्कर्स को काम ना कराया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नो चाइल्ड बिलो एज 14 इयर्स, मतलब 14 साल के बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रख सकते, ये भी हमारे लॉ में आता है। और माइंस फैक्ट्रीज जो है वहाँ पे इन वर्कर्स के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं ताकि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट ना हो सके। ये जो लॉज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल सोसाइटी, तो ये क्वेश्चन है कि ये सोशल जस्टिस के कंसर्न में काम कर रहे हैं या नहीं। कुछ क्वेश्चन इसी तरह से उठते हैं तो वो चैप्टर में देखेंगे। 2011 का सेंसस है, 4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं 5 से 14 साल के जो कि हजार्डस कंपनीज में काम कर रहे हैं। 2016 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें प्रोहिबिशन किया गया कि 14 साल से कम बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते। 14 से 18 साल के बच्चे हैं जो हजार्डस ऑक्यूपेशन में उसको काम नहीं करा सकते, नॉर्मल ऑक्यूपेशन जो नॉर्मल फैक्ट्रीज में वो काम कर सकते हैं। एनीवन फाउंड, अगर कोई भी इस लॉ को वायलेट करता है तो उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा 6 महीने के लिए और 2 साल के लिए, फाइन लिया जाएगा 20,000 से 50,000 के बीच में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और आपके आसपास फैक्ट्री में अगर ऐसा हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पेंसिल है, ये गवर्नमेंट
प्लेटफॉर्म है जो इफेक्टिव इनफोर्स फॉर नो चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रहा है 2017 से काम कर रहा है, जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, चाइल्ड ट्रैक कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट की हेल्प से। अब ये देखिए जब ये फैक्ट्रीज काम करते हैं, ये अभी हम बात कर रहे थे वर्कर्स के लिए क्या कंडीशन है, अब बात करें क्या वो जो फैक्ट्रीज है चाहे केमिकल की है चाहे कपड़ा मेकिंग है, वो अपनी फैक्ट्रीज को स्पेसिफिक मेजर्स से बना रही है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स वहां पे फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स वहां पे कंपनी के लिए एज वेल एज वर्कर्स के लिए और जो आसपास का एरिया है उनके लिए लिए जा रहे हैं या नहीं, क्या आसपास के जो लोग हैं उनको इस फैक्ट्री के बारे में पता है, क्या वो अवेयर है कि कौन सा केमिकल यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है उस इंडस्ट्री में उस फैक्ट्री में तो इन लोगों को कैसे वहां से हटना है या कौन कौन से केमिकल्स के किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सारी चीजें अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए जिस एरिया में वो फैक्ट्री है, तो ये सारी चीजें देखेंगे जिसकी वजह से ये सारे हजार्ड होते हैं। एग्जाम्पल में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 24 साल पहले, यूनियन कार्बाइड अमेरिकन कंपनी थी जिसमें पेस्टिसाइड्स बनते थे, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पे यूज होती थी जो कि 2 दिसंबर 1984 को यहाँ पर ही लीक हो गई थी। अजीजा सुल्तान जो एक सर्वाइवर थी इस इंसिडेंट की, उसने बताया 12:30 बजे की बात है रात को, मेरा बच्चा खांसने लगा, पूरा घर पूरे घर में सफेद धुआंसा भर गया, हम आसपास भाग रहे थे, बहुत जल रही थी हमारी आंखें जैसे हम आग में सांस ले रहे हो, आग में हमारी आंखें जल रही थी, जिससे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी इस गैस से प्रॉब्लम हो रही है। इस गैस के जो पार्टिकल्स उस कंपनी में रह गए थे तो इन कंपनी वाले ने उनको साफ करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है पानी है आज भी अफेक्ट हो रहा है। 3 दिन के अंदर 8,000 लोग मर गए और बहुत सारे लोग बहुत बैडली डिजीज उनको होने लगी। मोस्ट ऑफ द जो एक्सपोज हुई थी गैस वो पुअर एरियाज में हुई थी, वर्किंग क्लास वहाँ पे फैमिली रहती थी, 50 लाख लोग बीमार हुए इससे, सर्वाइव हुए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स यहाँ पे हुए, आज भी वहाँ के जो लोग हैं इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं अबनॉर्मलिटीज, गर्ल्स की फोटो यहाँ पे आपको दिखाई है कि किस तरह से ये अबनॉर्मल बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, आज भी वहाँ के आसपास का एरिया इतना पॉल्यूटेड है। इस एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जिनकी डेथ हुई थी उनके घर वालों ने या वहाँ के जो आसपास के लोग थे सबने यहाँ पे मूवमेंट्स किए और यहाँ पे उन्हें कंपनसेशन भी नहीं दिया गया, उन्होंने यहाँ पे 3 बिलियन कंपनसेशन की बात की थी लेकिन कंपनी ने सिर्फ $470 मिलियन ही यहाँ पे 1989 तक दिया, जिसमें इतने सारे सर्वाइवर्स ने इतने समय तक प्रोटेस्ट किया उसके बाद, और यहाँ की जो फैक्ट्रीज को साफ करने की बात की थी तो उन्होंने वो भी साफ नहीं की, आज भी यहाँ पे केमिकल ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि डिफ्यूज हो रहे हैं यहाँ की मिट्टी में। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज वर्कर वर्थ, एक वर्कर की क्या वर्थ होती है, क्या कीमत होती है उसकी जान की, क्या कीमत होती है उसके वर्थ की, तो ये सारी चीजें समझने के लिए भोपाल का जो डिजास्टर हुआ उसके बारे में देखते हैं। जो यूरियन कार्बाइड इंडस्ट्री है या ऐसी और भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो इंडिया में क्यों लगाई जाती है, क्यों उनके प्लांट इंडिया में लगाए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जहाँ की वो कंपनी है, जैसे कि यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडिया की नहीं थी फिर भी ये इंडिया में लगाई गई, क्यों, क्योंकि ये जो फॉरेन कंपनीज है ये इंडिया में आते हैं यहाँ पे चीप लेबर्स उनको प्रोवाइड हो जाती है, वेजेस यहाँ पे कम देने पड़ते हैं वर्कर्स को, यूएसए में वर्कर्स की सैलरी हाई होती है और इंडिया जैसी जो कंट्रीज होती है यहाँ पे वर्कर्स पुअर होते हैं जिनको कम सैलरी में भी यहाँ पे ये रख लेते हैं, लोअर पे देना पड़ता है, इवन घंटों घंटों यहाँ पे काम कराते हैं उतने कम वेजेस में, एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे लोगों को नहीं देनी होती, हाउसिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पे वर्कर्स को ये नहीं प्रोवाइड कराते हैं, इस तरह की जो कंपनी है वो अच्छे से सेफ्टी मेजर्स भी यहाँ पे फॉलो नहीं करती है, इवन जो रात को वो वर्कर्स की जो शिफ्ट होती है उन्हें भी ये कम कर देती है, हटा देती है, जिससे कि रात को भी कंपनीज के अंदर वर्कर्स ना होने की वजह से सेफ्टी मेजर्स का ना तो ध्यान रखा जाता है ना ही वहाँ पे कोई देख रेख करने के लिए होता है, लेकिन अमेरिका में ये सारा काम कौन करता है, मशीनें करती है कि कोई लीक तो नहीं हो रहा, कहीं से कोई मशीन खराब तो नहीं हो गई, इंडिया में ह्यूमन सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है सारी चीजों की, यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाने की बात करी जाती है, हाई प्रॉफिट यहाँ पे गेन करने के लिए ये काम करते हैं, कॉस्ट कटिंग करी जाती है, बहुत सारे डेंजरस मीन्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, सेफ्टी मेजर यहाँ पे नहीं लिए जाते, लोअर वर्किंग कंडीशंस में लोगों को काम कराया जाता है, सेफ्टी मेजर बिल्कुल भी नहीं होते, जैसे कि यूसी प्लांट हुआ, हैवी सेफ्टी डिवाइस जो होती है माल फंक्शनिंग और उसकी जो शॉर्ट सप्लाईज है उसको यहाँ पे कम कर दिया जाता है और उनकी जो सप्लाई है उनको भी कम कर दिया जाता है। 1980 से 84 की बात है, जो MIC प्लांट था उसको बिल्कुल हाफ कर दिया वर्कर्स को, 12 से यहाँ पे 6 वर्कर्स रखे गए, सेफ्टी ट्रेनिंग जो होती थी लोगों की 6 महीने की उसे सिर्फ 15 दिन के लिए कर दिया, नाइट शिफ्ट में यहाँ पे हटा दी गई, तो इस तरह के मेजर्स ये लोग लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो सके। तो यूएसए की कंपनी की हमें बात करेंगे कि कंप्यूटराइज वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे होते हैं जो प्लांट को मॉनिटर करते रहते हैं हर एक मशीन को, मैनुअल गॉजेस यहाँ पे नहीं होते, ह्यूमन इवन जो इंडिया है वहाँ पे मैनुअल गॉजेस ह्यूमन सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कहीं पे गैस लीक तो नहीं हो रही, तो यही चीज है भोपाल में भी हुई। वाई देयर आर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी मेजर्स,
तो ये इतने डिफरेंसेस क्यों है? जो कंपनी यूएस में थी उसी का प्लांट यहाँ पे लगाया गया, लेकिन दोनों ही कंपनी में कितने ज्यादा सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, कितने नहीं लिए जा रहे हैं, हमने दोनों कंट्रीज में देखा। इसी वजह से डिजास्टर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनसेशन भी लोगों को नहीं देते। इस आंसर का एक पार्ट और है कि जो वर्थ होती है इंडियन वर्कर की, ये बहुत उसको कम आते हैं। एक वर्कर इजीली रिप्लेस कर देता है दूसरे को, क्योंकि वर्कर ज्यादा है, वेजेस यहाँ पे कम है, काम की उन्हें ज्यादा नीड होती है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और वर्कर्स यहाँ पे विलिंगली काम करना चाहते हैं, चाहे अनसेफ कंडीशन हो तो उसमें भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉय इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों को काम की ज्यादा जरूरत होती है, यहाँ पे इग्नोर की जाती है वर्कर्स की सेफ्टी। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ, रेगुलर रिपोर्ट्स अगर देखें तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शन, ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, माइंस पे, फैक्ट्रीज में, वो इन्हीं एटीट्यूड्स की वजह से होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज लॉस करते हैं अपनी लाइफ। कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज इम्पोर्टेंट इन एनी फैक्ट्री? किसी फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स का होना, उसका इन्फोर्समेंट होना कितना ज्यादा जरूरी है? कैन यू पॉइंट टू फ्यू अदर सिचुएशन? क्या आप कोई ऐसी और सिचुएशन बता सकते हैं? एग्जाम्पल, ओवर स्पीडिंग, जैसे मोटर बाइक ओवर स्पीड में चलाई जाती है, हेलमेट नहीं पहने जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आपको दी हुई है, तो आपको ऐसे कुछ वे सजेस्ट करने हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, इन लॉज को बनना ही काफी नहीं है, इनको इन्फोर्स भी होना चाहिए, अप्लाई भी कराना चाहिए लोगों से, इनको फॉलो अप भी कराना चाहिए। लॉ मेकर जो होते हैं, जो इन्फोर्सर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? लॉज को बनाते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंश्योर करती है कि ये सारे लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की, वो इंश्योर करे सभी के लिए राइट टू लाइफ, जो कि गारंटीड है आर्टिकल 21 में। कॉन्स्टिट्यूशन इसको वायलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है कि जब ये ट्रेजेडी होती है किसी भी कंपनी में, तो गवर्नमेंट उस वक्त क्या कर रही होती है? जैसे यूसी प्लांट में हुआ, तो फर्स्ट, सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स, पहले कि ये लॉ बहुत वीक थे, दूसरा अच्छे से इनको इन्फोर्स नहीं किया गया। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ही रिफ्यूज कर दिया इस प्लांट को रिकॉग्नाइज करने से, इसको अलाउ किया कि वो पॉपुलेटेड लोकेलिटी में उसको बनाया जाए, मतलब जहां लोग रह रहे हैं ऐसी जगह पे इस केमिकल फैक्ट्री को लगाने के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया। म्युनिसिपल ऑफिशियल्स जो थे, जो भोपाल के थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस कंपनी को इंस्टॉल होने से, 1978 की बात है, सारे सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे वायलेट किए गए। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसे आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इस वजह से वहाँ पे उन्होंने उस फैक्ट्री को यहाँ पे लगाने के लिए अलाउ कर दिया। और उसके बाद जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने कंटिन्यू उसको अप्रूव करते गए, ये भी नहीं देखा कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे। जो लीक हुआ प्लांट में वो ऑब्वियस था, जब इस तरह से वहाँ पे रॉन्ग एक्टिविटीज की जा रही थी। ये एक फैक्ट्री की बात भी है, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हो जाता है कभी भी, और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की भी यहाँ पे गलती होती है। ये क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये फाइल होती है कंपनीज को लगाने की, इसको वो अलाउ करते जाते हैं हर एक स्टेप पे। पॉइंटिंग व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी, ये रोल क्या होता है लॉ जो मेक करते हैं, जो लॉ बनाते हैं उनका, और जो एजेंसीज होती है जो इनको इन्फोर्स करवाती है उनका। Instead of protecting the interest of people, their safety was being discarded both by the government and the private companies. ये देखने की बजाय कि लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं, सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं नहीं, ये दोनों ही चीजें डिस्कार्ड कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी। दिस इज ऑब्वियस नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ऑब्वियसली ये डिजायरेबल नहीं है। विद मोर इंडस्ट्रीज बींग सेटअप बोथ बाई लोकल और फॉरन बिजनेस इन इंडिया, देयर इज ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज। ऐसी जितनी भी फैक्ट्रीज होती है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो, सभी को जरूरत है या गवर्नमेंट को यहाँ पे उन सभी के लिए स्ट्रॉन्गर लॉज लाने चाहिए। ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स की प्रोटेक्शन यहाँ पे की जा रही है नहीं, और प्रॉपर जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर वो लॉज को इन्फोर्स किया जा रहा है फैक्ट्रीज में, कंपनीज में या नहीं। नेक्स्ट, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इन फैक्ट्रीज की वजह से जो एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो एनवायरमेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ लॉज बनाए जाए, जिससे कि साफ पानी मिल सके, साफ हवा मिल सके, जो कि राइट टू लाइफ में है। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करनी है तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, हवा की जरूरत पड़ेगी, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा। जो ये फैक्ट्री थी जहाँ पे ये डिजास्टर हुआ था भोपाल में, उसके आसपास ये जो नल लगे हुए हैं, इनसे भी पानी पीने के लिए मना किया गया है, लेकिन वहाँ पानी की इतनी कमी है कि लोग अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पा रहे, उनको यहाँ से पानी पीना पड़ रहा है, पानी लेना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ का पानी, हवा, सॉइल कितनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस केमिकल से। 1984 में कुछ ही ऐसे लॉज थे जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, यहाँ पे हार्डली ही इन लॉज को फॉलो किया जाता था, एनवायरमेंट को फ्री एंटिटी की तरह यूज किया जा रहा था। कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी लगाई जा रही थी उस जिससे कि पॉल्यूट हुई थी एयर, विदाउट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज को अलाउ किया जा रहा था कि वो लग सके, ताकि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके।
वेदर इट वॉज आर रिवर्स, एयर, ग्राउंड वाटर, ये सभी यहाँ पे पॉल्यूटेड हो, ये सभी यहाँ पे पॉल्यूट हो रहे थे। इन केमिकल्स का डिस्कार्ड किया जा रहा था इन वाटर स्ट्रीम्स में। ये कोई यूसी की एक ऐसी बेनिफिशियरी कंपनी नहीं है जिसमें लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यूज किया जा रहा था या फॉलो किया जा रहा था। आई डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप। तो ये यूसी बेनिफिशियरी जो इंडस्ट्री थी, इसने ये भी मना कर दिया था कि ये कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे वो जो पॉल्यूशन यहाँ पे फैला है इसकी वजह से, उस फैक्ट्री के जो केमिकल्स इधर उधर स्प्रेड हुए हैं उसको साफ करने में। तो ये केस अभी भी पेंडिंग है, ये चल रहा है, लेकिन वहां से कोई भी इस चीज का ऐसा प्रॉपर कोई आंसर नहीं आया। भोपाल डिजास्टर हुआ जिससे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पे इससे डायरेक्टली अफेक्ट हुए, पॉइजनस गैस यहाँ पे लीक हुई जिससे एयर पॉल्यूशन हुआ। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे एनवायरमेंट लॉज की भी जरूरत है ताकि साफ हवा में वो सांस ले सके, ताकि वर्कर या फिर एनवायरमेंट या कोई पर्सन ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से यहाँ पे इंजर्ड ना हो। ये गोल नंबर 9 है सस्टेनेबल गोल, जिसमें इंडस्ट्री, इनोवेशन और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड अदर इन द ईयर फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसके बाद सबने देखा कि कितना ज्यादा प्रेशराइज हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर। इवन जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पे हुई जिसमें बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म हुआ, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए नए नए लॉज जिसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि एनवायरमेंट को डैमेज ना हो और सारी गाइडलाइंस एनवायरमेंट से रिलेटेड फॉलो की जाए। ये एनवायरमेंट जो है ये सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं है, हमसे पहले की जनरेशन भी इसको यूज कर दिया, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसको यूज करेंगी। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। क्लीन एनवायरमेंट एक पब्लिक फैसिलिटी है, कैसे आप स्टेटमेंट में बताएंगे। हमें न्यू लॉज की जरूरत क्यों पड़ी, कंपनीज और कॉन्ट्रेक्टर्स जो होते हैं वो वायलेट करते हैं एनवायरमेंटल लॉज को क्यों और कैसे वो ये कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से देख ही नहीं पाती, चेक ही नहीं कर पाती कि प्रॉपर गाइडलाइंस वहां पे फॉलो हो रही है या नहीं। कुछ ऐसे नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जो आज भी राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट के लिए यहाँ पे फाइल किए गए। एक सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है 1991 का, जो सुप्रीम कोर्ट में राइट टू लाइफ के लिए फाइल किया गया अंडर आर्टिकल 21। राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर फुल ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ये हमारा राइट टू लाइफ में ही आता है कि हमें पॉल्यूशन फ्री पानी मिले, अच्छी हवा मिले। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उन लॉज को सेट करने में, लॉज को लाने में और उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट कराने में, और ये चेक करने के लिए कि वो टाइम टू टाइम मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं। क्लीन रिवर्स इंट्रोड्यूस हैवी फाइन उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इन फैक्ट्रीज को, इन कंपनीज को, इन सारे एक्टिविटीज के लिए रोका जा सके। पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर एक ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज, इवन सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिससे ये देख सके कि पॉल्यूट तो नहीं हो रहा है एनवायरमेंट उसकी किसी एक्टिविटी की वजह से, या यहाँ पे वर्कर्स के राइट तो वायलेट नहीं हो रहे हैं। एनवायरमेंट एक पब्लिक फैसिलिटी है जो कि सबके लिवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी की लाइफ इससे अफेक्ट होती है। फॉर इंस्टेंस कोर्ट डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को जो कि रेजिडेंशियल एरिया में लगी हुई थी दिल्ली में, उनको शिफ्ट करने की बात की, लेकिन हुआ क्या, जहाँ पे लोग रह रहे इस फैक्ट्री को यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाया, लेकिन पॉल्यूशन तो यहाँ भी होता, सिर्फ जगह ही तो बदली। हमें कंपनी को, हमें फैक्ट्रीज को शिफ्ट करने के बजाय पॉल्यूशन को उससे हार्म ना हो, इन सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे यमुना के रिवर में कैसे पॉल्यूशन हो रहा है इन फैक्ट्रीज की वजह से, अगर ये इंडस्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज अपने केमिकल को ट्रीट करके डिस्कार्ड करेंगे तो यहाँ पे इतना पानी गंदा नहीं होगा। फैक्ट्रीज को शिफ्ट करने की वजह से वर्कर्स को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो ये कोई मेजर नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। रिसेंट एनवायरमेंटल इश्यूज को हाईलाइट किया गया है जिसमें ग्रोइंग कंसर्न्स दिखाए गए एनवायरमेंट के थ्रू। मिडिल क्लास है वहां से फैक्ट्रीज को अगर हटा दिया जाए वो कहां भी लगा लेंगे लोग, पूरा जो एरिया जहां पे गरीब लोग रहते हैं वहां पे इन फैक्ट्रीज को लगा लेंगे, पॉल्यूशन तो उतना ही हो रहा है लेकिन अब यहां पे पुअर लोग अफेक्ट होंगे इससे। एक तो वैसे उनकी कंडीशन इतनी बुरी है, उसके ऊपर से ये जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है, ऐसी जो फैक्ट्रीज होती है जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इनके प्रॉब्लम्स में इनको और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो सारे चैलेंजेस सिर्फ पुअर लोगों को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। तो हमें फैक्ट्रीज को, हमें इंडस्ट्रीज को मूव करने की बजाय क्लीनर टेक्नोलॉजीज को फैक्ट्रीज में इंप्लीमेंट कराना चाहिए, सभी फैक्ट्रीज में इनको इंश्योर कराना चाहिए कि उनकी फैक्ट्री से कोई भी एनवायरमेंट यहाँ पे पॉल्यूट नहीं हो रहा। वर्कर्स की लिवलीहुड को भी प्रोटेक्ट कराने की यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे वर्कर्स हो, कम्युनिटीज हो, उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं सभी के बारे में। वर्कर्स हैं जो क्लोज फैक्ट्री के बाहर बैठे हो और मूवमेंट कर रहे हैं अपनी डेली वेजेस जो उनके खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, जो फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, या फिर डू यू थिंक एवरीवन गॉट जस्टिस इन द केस ऑफ सिटेड अवर, ये जो सारे बैठे हैं क्या सभी को यहाँ पे जस्टिस मिल पाएगा? कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज, कोई अदर वेज आपको बताने हैं जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड हो, आपकी क्लास में उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट में ये एक शिपयार्ड है, ये साउथ एशियन कंट्रीज में होते हैं जहाँ पे जो शिप खराब हो जाते हैं इनसे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इन शिप्स में बहुत ज्यादा डेंजरस पोटेंशियल होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि वर्कर को और एनवायरमेंट को भी हार्म करते हैं। तो ये गुजरात की फोटो है, अलांग की, अलांग शिप है।
कॉन्क्लूजन अगर देखें तो कॉन्क्लूजन में सिर्फ यही आएगा कि जो लॉस है वो जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो फैक्ट्री है चाहे वो वर्कर है, सभी की लाइफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती है इंडस्ट्रीज से, कंपनीज से, वर्कर्स के लिए और आसपास का जो एरिया है जहाँ पे वो फैक्ट्रीज लगाई जा रही है उनमें, और मशीन्स के लिए जो प्रॉपर चेक नहीं होता, ये सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए गवर्नमेंट को। प्राइवेट कंपनीज जो होती है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, बिजनेस पर्सन जो होते हैं, वो सारे प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, लो वेजेस पे वर्कर्स को रखते हैं, इवन चिल्ड्रंस को भी वो यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए रखते हैं। वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, डैमेजेस जो होते हैं एनवायरमेंट को उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजर रोल प्ले करना है, कंट्रोल करनी है सारी एक्टिविटीज को जो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू की जाती है, इन्फोर्स करना है और अपहोल्ड करना है ऐसे लॉज जो कि प्रिवेंट करे इन सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस को और इंश्योर करे सोशल जस्टिस सभी के लिए। दिस मीन्स गवर्नमेंट हैज टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज, तो गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट ऐसे लॉज बनाने और उनको प्रॉपर इन्फोर्समेंट भी होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस उनको हमेशा इन फैक्ट्रीज पे टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। लॉज अगर वीक होंगे, पुअर होंगे, तो यहाँ पे एनवायरमेंट को भी हार्म होगा और वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ। गवर्नमेंट एक लीडिंग रोल यहाँ पे प्ले करेगी जिसमें वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इन प्राइवेट कंपनीज पे और इवन गवर्नमेंट कंपनीज पे भी जो भी, ताकि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें, एनवायरमेंट को ध्यान रख के काम करें और पब्लिक का भी यहाँ पे वेलफेयर हो, राइट टू लाइफ यहाँ पे किसी की हार्म ना हो। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। हम सबको ये डिमांड है कि सबको हेल्दी एनवायरमेंट में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो रिच क्लास है, चाहे वो पुअर लोग है, सभी को डिसेंट और फेयर वेजेस मिलने चाहिए उनके काम के हिसाब से, किसी के भी साथ अनफेयर एक्टिविटी ना हो, वायलेशन ना हो। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर, लोगों को स्ट्रॉन्गर लॉस की यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए, ताकि यहाँ पे वर्कर्स की भी प्रोटेक्शन हो, उनकी लाइफ की भी प्रोटेक्शन हो। ये सस्टेनेबल गोल नंबर 8 है जिसमें हम डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि काम सबको अच्छे से हो और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी सबसे यहाँ पे होती रहे, उनको वेजेस सही मिलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। दो वर्कर्स के बारे में आपको बात करनी है यहाँ पे और फाइंड आउट करना है कि उनको मिनिमम वेजेस कितने मिलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। एडवांटेज बताने आपको फॉरेन कंपनीज के जो इंडिया में यहाँ पे सेट करी गई है। डिस्कस करना आपको जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स थे उनको जस्टिस कैसे दिलाया जाए और मिली या नहीं। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक लॉ इन्फोर्समेंट की जब बात करते हैं तो वहां इसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इन इन्फोर्समेंट कराने का इन लॉस को, और ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये सारी चीजें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी डाउट होता तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। लॉस इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन मैनर दैट इज फेयर, ये कैसे इंश्योर करा सकते हैं लॉस के थ्रू कि मार्केट में काम फेयर वे में हो, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। इमेजिन करना है अपने आपको एक वर्कर की तरह, केमिकल फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, रिसीव हुए ऑर्डर आपको गवर्नमेंट से कि 100 किलोमीटर दूर आपको यहाँ पे मूव करना है प्रेजेंट लोकेशन से, तो आपको लिखना है कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी जब आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ जाएगा। एक पैराग्राफ आपको लिखना है, वेरियस रोल आपको बताने हैं उसमें गवर्नमेंट के लिए, वो सोर्स बताने हैं जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है आपके एरिया में तो कौन सा हो रहा है, एयर वाटर सॉइल, स्टेप्स कैसे लेंगे जिससे आपका ये रिड्यूस हो सके पॉल्यूशन आपके एरिया का, कुछ ऐसे मेजर्स बताने हैं। एनवायरमेंट को कैसे ट्रीट किया था पहले और अब क्या चेंज आया लोगों के परसेप्शन में, ये डिस्कस करना है। ये फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने कार्टून बनाया है जिसमें कुछ कन्वे करने की कोशिश की है, आप 2016 से इसको रिलेट करेंगे और 103 पेज को रीड करेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, ऑनगोइंग स्ट्रगल के बारे में आपसे पूछा है कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं इंडिया में जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा, तो आप ये वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ग्लॉसरी में कुछ आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया, जैसे कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, इन्वेस्टमेंट जो मनी इन्वेस्ट करेगा किसी भी बिजनेस में, वर्कर यूनियन मतलब वर्कर्स का ग्रुप, एक यूनियन जो एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, वर्कर के वेलफेयर के लिए यहाँ पे सोचा जाएगा, राइट्स लाए जाएंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, वीडियो यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे जिसमें हम 9th क्लास की सिविक्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी गई है, प्लेलिस्ट में चैप्टर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके, उन सभी का बेनिफिट हो और ये सारी चीजें उनको जाने के लिए मिल सके। तो ये क्लास हमारी अभी खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।